In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Shastra, Dosto movie Shastra, जो रिलीज हुई थी 4th अक्टूबर 1996 को. ये एक बॉलीवुड एक्शन मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी. इसके डायरेक्टर हैं संजय खन्ना, प्रोड्यूसर हैं नदीर ईरानी और नदीम ईरानी. बात करते हैं राइटर की तो वो है रूमी जाफरी. अब आते हैं फिल्म की कास्ट पर. इसमें सुनील शेट्टी, उसके अलावा इसमें नजर आए थे अंजलि जाकर, डैनी डेंगसोंगपा, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि, फरीदा जलाल और अवतार गिल. ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी. खैर बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की. तो फिल्म में सुनील शेट्टी अपने पिता की तरह एक कलेक्टर बनना चाहते हैं और वो कलेक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करना चाहते हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं. वही दिखाते हैं दूसरी तरफ अंजलि जाकर, जो सुनील शेट्टी से बहुत प्यार करती है और उनसे शादी भी करना चाहती है. अब ऐसे में सुनील शेट्टी के जो पेरेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स नहीं होते. ये दिखाया जाता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. लेकिन सुनील शेट्टी को भरोसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उनको किसी ने मारा था. अब ऐसे में सुनील शेट्टी जो है, अब ये जो केस है ये छिड़ता है कोर्ट में. लेकिन कोर्ट में भी जो असली कातिल होता है उसके लिए कोई सबूत ना मिलने की वजह से ये केस बंद हो जाता है. अब ऐसे में सुनील शेट्टी डिसाइड करते हैं कि वो असली कातिल को खुद से ढूंढेंगे और इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद से करेंगे. अब क्या सुनील शेट्टी असली कातिल को ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा. बात करते हैं कलेक्शंस की. तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 4,80,00,000 रुपए का, 4,80,00,000 का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 8,25,00,000 रुपए का, 8,25,00,000 का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 15,15,00,000 रुपीज की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 8,40,00,000 रुपए का, 8,40,00,000 का. रही बात बजट, तो इसका बजट तो था वो था 3,75,00,000 का. अब 3,75,00,000 के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 4,80,00,000 का. उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप के, तो आपको बता दें कि फिल्म शस्त्र बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड एवरेज की. गानों की बात करें तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे. गानों को कंपोज किया था आदेश श्रीवास्तव जी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे श्याम राज ने. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.